ये एक सेट था सिंगल कफ के पैनल में रिपेयर होने के लिए जो आया था। काफ़ी पैनल हमने इसमें रिपेयर किए हैं। इसका नंबर ये रहा LIC320AN10 और इसमें वही आईसी है, सिंगल आईसी लगाए SMA4186। और इसमें एक ही प्रॉब्लम जो आती है, काफ़ी टाइम हमने वीडियो बना के दिया है और ये जो प्रॉब्लम आई है ये आप देख पा रहे हैं, इसमें वाटर डैमेज है, पानी लगने से ही इसका जो फॉल्ट आया है। और आप देखोगे इस साइड में, लेफ्ट साइड में मैं आपको गेटर दिखा देता हूँ, इसमें हमने सिर्फ चार पिन को कट किया। हर पैनल में मैं ऐसे ही करता हूँ, इस तरह के पैनल में, सिंगल कोप में, इस पैनल में चार प्रिंट है, इसके अलावा आपको कोई भी प्रिंट शॉर्ट नहीं मिलेगा। इसमें गेट लाइन जो दे रखी है वो 8 से 9 प्रिंट दे रखे हैं, लेकिन सिर्फ वो 4 प्रिंट ही है जो शॉर्ट होता है। ये देखिए हमने सिर्फ 4 प्रिंट काटा है, हमारा सप्लाई जो आना चाहिए वो नहीं बना। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाद में जोड़ेंगे। देखिए जो ये गेट लाइन हमने काटा है वो चार कौन कौन से आपको दिखा देते हैं। ये है CKV B2, CKV V2 और नीचे CKV V1 और CKV B1। ये चार गेट लाइन है जो शॉर्ट होता है। तो हमने इसके अलावा कोई भी अलग प्रिंटर काट के नहीं देखा, क्योंकि इसके अलावा शॉर्टिंग आपको कहीं पर मिलेगी ही नहीं। और इसके बाद का जो वर्क है हम राइट साइड में करेंगे, और राइट साइड में ये चार ही प्रिंट पर वर्क करेंगे। एक एक करके हम कट करके देखेंगे, जब भी शॉर्टिंग मिल जाएगी तो जो पुराने प्रिंट कटे हैं हमको उसको लगाना पड़ेगा। और तो देखिए हमने लेफ्ट साइड में प्रिंट काटा था, अभी वो कटे ही हैं, हमने उनको जोड़ा नहीं है, चार ही प्रिंट कट गए थे। तो राइट साइड में हमने सिर्फ प्रिंट काटना स्टार्ट किया, तो हमने सिर्फ एक ही प्रिंट काटा है जो ऊपर वाले गेट लाइन्स में 3rd नंबर पर, देखिए ये वाला ऊपर से 3rd नंबर। तो ये कौन सा प्रिंट था वो आपको दिखा देते, कौन सा गेट लाइन से ये रहा 1 2 3 CKV B2। हमने सिर्फ CKV B2 को ही काटा है, और उसके काटने के बाद हमारा सप्लाई है जो पहले का बन चुका है। हमने पुराने प्रिंटर लगाए नहीं हैं, क्योंकि पहले एक बार टेस्ट कर लेते, आपको दिखा देते हैं सेट को। देखिए हम स्टैंड बाय सीरीज करते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक ऐसे वाइट स्क्रीन बना है, बार से बन रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रिंट काटे हैं उसमें गेट लाइन्स कट गया है, और उस साइड में शॉर्टिंग है, जिस साइड में शॉर्टिंग उस साइड में हमने कट किया है, वहाँ से तो कट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पुराने प्रिंट कट किए हैं वहाँ से जब तक तो गेट लाइन्स नहीं जाएगी तो पहले में सप्लाई नहीं बनेगा। पुराने सप्लाई यहाँ पर जो 4 प्रिंट कट किए उनको जोड़ेंगे तभी जाके पिक्चर बन पाएगा। ये देखिए हमने 4 प्रिंट काटा था, 4 प्रिंट ऐसे क्या ऐसे है, हमने जोड़ा नहीं है। और राइट साइड में ये चारों प्रिंट को हमको काटना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टिंग जो है हमारा इसी साइड में है, राइट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग हमको मिल चुका है राइट साइड में, तो हमको पहले शॉर्टिंग मिलने तो मिल चुका है, तो अब की जितने भी गेट लाइन से राइट साइड में हम सबको इसको एक एक करके सबको काट देंगे, जिससे कि शॉर्टिंग अच्छे से निकल पाए। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो प्रिंट हमने काटे थे चारों प्रिंट को अच्छे से जोड़ दिया गया है, और इसमें देखिए एक सिंगल प्रिंट अंदर गया है, बाकी सेंटर में जो डबल होके इनपुट हो रहे हैं जो एक ही है, मतलब 4 प्रिंट ही हमने कट किए थे, 4 को ही अच्छे से लगा दिया है। और राइट साइड में हमने एक ही प्रिंट कट किया था CKV B2, अभी हमने नहीं लगाया क्योंकि अभी इसको टेस्ट करना बाकी है कैसा पिक्चर बनता है। पिक्चर को टेस्ट करने के बाद बाकी जो प्रिंट बचे हैं उनको ही भी हमको एक एक करके कट करना पड़ेगा, तभी जाके पिक्चर अच्छे से बन पाएगा। जो प्रिंट हमने लगाए हैं उसके बाद हमने एक ही प्रिंट कट कर रखा है, उसके उससे पहले कि अदर प्रिंट काटें पहले इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और सेट हमारा देखिए ऑन हो चुका है, एक ही प्रिंट हमने अभी कट करके रखा है, बाकी को काटना पड़ेगा वो बता देता हूँ। वैसे तो सेट हमारा चल गया है, लेकिन उनको क्यों काटना पड़ेगा उसका जो कारण है मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले सेट देखिए बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, और हल्की फुल्की मुझे राइट साइड में जहाँ जिस साइड में शॉर्टिंग मिली है उस साइड में थोड़ी थोड़ी जारी दिख रही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड बिल्कुल ओके, राइट साइड में हल्का हल्का थोड़ा सा जारी बन रहा है। ये देखिए फेस पर भी आपको दिख रहा होगा, इस जाली को भी हमको कोशिश करना कि ख़त्म हो जाए, और ये जो प्रिंट बचे हैं गेट लाइन्स के वो काट कर ही मुझे लग रहा है कि चली जाएगी। काफ़ी चांस होते हैं कि 80% से 90% चांस होते हैं कि वो जो ये लाइन्स दिख रही है वो अदर प्रिंट काटने के बाद चली जाएंगी।
और फिलहाल सेट तो हमारा बन चुका है। और इसका ये कारण जो हमारा बची गेटनेस काटने का है वो ये है कि ये जो लाइन से बाद में शॉर्टिंग का कंप्लेन आता है, मैं काफ़ी इसको रिपीट में प्रॉब्लम को देख चुका हूँ, तो पहले इसको एक बार अच्छे से कटिंग कर देते हैं। सभी गेट लेंस जो है CKV B1, CKV B2 और CKV V2, चार गेट लेंस को काटना तो कंपलसरी है, लेकिन आप चाहो तो जिस साइड में शॉर्टिंग निकली है, जैसे हमने जो गेट लेंस बची सभी को कट कर दिया है, ऐसा ये कारण इसलिए है क्योंकि मैं पहले कई बार इसको देख चुका हूँ, जो गेट लेंस हम छोड़ देते हैं वो बाद में हमको शॉर्टिंग के रूप में देखने को मिलती है। ये देखिए जितने भी गेट लेंस हैं हमने सबको एक एक करके काट दिया है ताकि ये प्रॉब्लम आगे देखने को ना मिले, और जो हल्की फुल्की जाली रह जाती है उसके भी काफ़ी चांस होते हैं कि वो भी सभी प्रिंट कट करने के बाद चली जाती है। तो यहाँ पर जो अपने गेट लेंस हैं उनको सभी को अच्छे से काट दो जिससे कि ये रिपीट में प्रॉब्लम ना आए। ये मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने बाद ये प्रॉब्लम रिपीट में आ ही जाती है। तो सेट को अभी आपको चला के दिखा देते हैं। फ़िलहाल जो जाली वगैरह थी वो सभी चली गई हैं, क्वालिटी पहले से भी और बेटर हो चुकी है, और जो इसका चांसेस है बैक प्रॉब्लम आने का वो बिल्कुल अभी नहीं है। देखिए सेट हमारा बिल्कुल ओके है, जो हल्की फुल्की जाली थी बिल्कुल वो चली गई है, फेस पर बिल्कुल भी जाली यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, सेट हमारा बिल्कुल बन के रेडी है देखिए। और क्वालिटी भी अभी ऐसा है कि जैसा होना चाहिए बिल्कुल ओरिजिनल बन चुका है। इसमें मैंने पूरा डिटेल कवर किया है ताकि इस तरह फॉल्ट आपके पास आए उसको किस तरह से आप सीरीज वाइज आप उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं डिटेल आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए चैनल के साथ जुड़ रही है, आपको इस तरह वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे।